आप अपना बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाएं, एनवायरमेंट बीटेक कराएं बच्चे को, हमारे बच्चों को आप कह रहे हो कि पुस्तक लेके नकल करें। स्मृति ईरानी जी को कौन देगा, केवल संबल भक्त 10% जो है। ये चुनाव स्मृति ईरानी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया, केवल लोगों को बेवकूफ बनाया और मोदी जी की तरह झूठ बोला। भाजपा की सरकार है, हर पेपर लीक हो जाते हैं, युवा सब परेशान हैं। लगातार जानबूझकर सरकार ने पेपर लीक करवाया जिससे कि बच्चों को नौकरी न देनी पड़े। स्मृति ईरानी को चुनाव एक पीए हराएगा, चुनाव इस अमेठी की अमेठी जनता है, लिख के देगी। नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र गौर। मैं हूँ आज अमेठी में, और अमेठी में मैं उस वर्ग के साथ हूँ जिसे कहा जाता है अधिवक्ता समाज, साधारण भाषा में कहें तो वकील। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो ये हमारी पैरवी के लिए खड़े होते हैं। लेकिन आज इनसे जानेंगे कि अमेठी की पैरवी के लिए इन्होंने क्या सोचा हुआ है। हमारे साथ हैं, पर्चा भी लेते चलेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश मिश्रा, एडवोकेट। मिश्रा जी, अमेठी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव माना जा रहा है। पिछले कई समय से BBIP कल्चर से ये वाफिक रहा है समाज। पिछले चुनाव में भी जो सांसद बने वो भी एक तरीके से सेलिब्रिटी थे। इस बार आप क्या देखते हैं, चुनाव किस रंग में है? देखिए, हम लोगों ने अमेठी के लोग, क्योंकि ये बहुत BBIP क्षेत्र, देश विदेश में अमेठी का नाम जाना जाता है, हम लोगों ने ये अपेक्षा की थी कि स्मृति ईरानी बड़ा चेहरा है, इनकी सरकार है, और जब हारी थी तब भी कैबिनेट मंत्री थी, तो 2019 में इनको यहाँ से सांसद बनाया गया। लेकिन बाद में पछतावा ये हुआ 5 साल के, 5 साल के वो राहुल जी का नाम लेके, जब किया राहुल नाम का, इन्होंने काम नहीं किया। जो BIP हमारा तमका था, जो BIP हमारी पहचान थी, वो भी इन्होंने छीन लिया, और जो है ये कोई काम नहीं किया, जो कभी अमेठी से भावनात्मक रिश्ता नहीं बना पाई। ये केवल राहुल जी को हराने आई थी। अब हम लोगों को एहसास हुआ कि माननीय सांसद जी ने केवल राहुल गांधी को हराने आई थी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, खुद केंद्रीय मंत्री हैं और कई कई विभागों के मंत्री रहे हैं। कल मैं उनके सभा में गया था, मैंने बता रहे थे मैंने पुल बनवाए हैं यहाँ पे, कई सड़कें बनवाई हैं, तो वो क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ है? सब झूठ है। देखिए, जो पूरे देश पे काम हो रहा है, इनसे ज्यादा काम कहने में कोई संकोच नहीं। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में किया, और सांसद लगातार 5-7 बार से है, काम किया है। ये तो केवल अपना चरण पादुका करके, चापलूसी करके जो है मंत्री भी बन गई, लेकिन जो एक उम्मीद थी लोगों को बैठी से, जैसे आज भी रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी गई बिना किसी से पूछे, किसी तरह फिर खोली गई। अमेठी किठावर रोड पे आप चल नहीं सकते हैं, गांव की सारे सड़कें टूट गई, इनका जल मिशन वाला कार्यक्रम हुआ, हर जगह सब खोद के गड्ढे गड्ढे कर दिए। अमेठी में कहीं मूलभूत जैसे दो चार जो सड़कें बन गई हैं बड़ी वाली, इस बड़ी सड़कों से कोई लाभ अमेठी को नहीं मिला। जो जब किसान खुशहाल स्थानीय स्तर पे, हाँ, अंदर में वो काम नहीं, कोई काम नहीं। आप सहमत है मिश्रा जी की बात? क्या सुन नाम है आपका? राम की तिवारी। तिवारी जी, आप जैसा मिश्रा जी ने बताया, उन्हें ऐसा लगा उनकी बातों से, वो पार्टी से उन्हें दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन्हें स्मृति ईरानी के जो काम है उससे है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पड़ोस में मेनका गांधी के विकास की बात नहीं करते। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अमेठी क्षेत्र में 2014 में जब वर्तमान सांसद श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जब आई 7 अप्रैल 2014 को, विधवत सुनिएगा मान्यवर, तब मैं बोलूं। बिल्कुल 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 सुनेंगे आप, बिल्कुल। 7 अप्रैल 2014 को चिलौली से हम लोगों ने उनको रिसीव किया, और उसके बाद आए, तब अमेठी सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे रोड पर पर्याप्त गड्ढा था, तब कांग्रेस का शासन था, तब कांग्रेस का शासन था। 2000 उसके बाद नामांकन किया 16 अप्रैल 2014 में, उसके बाद क्षेत्र में दौड़ प्रयास किया, दौड़ा अमेठी जनता ने उनको सलाखों पर लिया, बहरहाल चुनाव हारना जीतना वो अलग चीज है, हार गई 50 साल। नहीं, ये कह रहे हैं कि 2019 के बाद काम नहीं किया। 2019 में उन्होंने काम किया अपने सांसद नीति से। 2000 देखिए जो है, उन्होंने आम मानते हैं स्मृति ईरानी जो है वो बेहतर सांसद, बेहतर सांसद है राजीव गांधी की अपेक्षा, वो बेहतर सांसद है, और 5 साल में उन्होंने सांसद के रूप में अमेठी की जनता के आंखों के ऊपर उन्होंने कार्य किया। जैसा ये दोनों आपके सीनियर्स हैं बता रहे हैं, एक की ओपिनियन है कि काम नहीं किया, आप युवा है, आपका क्या सोचना है? आपका क्या सोचना है, ये चुनाव स्मृति ईरानी पर है, स्थानीय मुद्दों पर है, या मोदी की छवि पर है? ये चुनाव स्मृति ईरानी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया, केवल लोगों को बेवकूफ बनाया और मोदी जी की तरह झूठ बोला। अच्छा, आपका मानना है मोदी जी भी झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोला? लंबी लंबी फेंकते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आपकी क्या इस पर सोचना, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम निर्भय मिश्रा है। हमारा गांव बॉर्डर से बिल्कुल लगा है, परतोष से लगा है। ऐसा नहीं है
मोदी जी ने पूरे दुनिया में नाम बढ़ाया है, शेष अमेठी का भी नाम बढ़ा है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बनवाई, बाईपास बनवाई, तमाम गड्ढे उन्होंने काम किया। मिश्रा जी, काफी लोग मिश्रा जी की बात से सहमत हैं, लेकिन आप आइए, आप बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र पाठक। पाठक जी, जैसा कि दो ओपिनियन आ रही हैं, एक बता रहा है काम किया, एक बता, हालांकि दोनों पार्टी के दावे हैं कि कांग्रेस ने अमेठी को पहचान दी, विकास दिया, इधर कह रही है हमने 5 साल में बोले, क्या आप दोनों में क्या कुछ नहीं कहना है, सिर्फ कहना है कि 10 साल से जिस मंत्रालय में उन्हें विभाग लिया है, करीब 4 से 5 मंत्रालय, यहाँ तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इनके पास था, ऐसा कोई अमेठी में काम इनका एक भी काम नहीं उस मंत्रालय के द्वारा, इसे ही आप समझ गए होंगे क्या काम हुआ है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं काम नहीं किया है, आप भी आइए हमारे साथ। एक और अधिवक्ता हैं, क्या कहेंगे, कैसे पैरवी करेंगे, क्या होना चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए? हम पहले तो आपका प्रश्न ही समझता है, मैं बोलूं? हाँ ना, मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर हैं कि अमेठी में इस समय स्मृति ईरानी हैं, जो प्रत्याशी भी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, और दूसरी तरफ बाकी लोग, उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो क्या लगता है चुनाव किस माहौल में है, क्या स्थिति है चुनाव? किसने नहीं काम किया बताते हैं, इसे मिश्रा जी ने भी बात बताई, इसमें काम नहीं, मैं पूछता हूँ काम किया है कि नहीं किया है किसने? स्मृति ईरानी ने, मौजूदा सांसद ने। काम किया नहीं किया? नहीं, काम नहीं किया तो मंत्री कैसे जीती कैसे? बिल्कुल, आपका मानना है काम किया है 100%? तो नहीं, एक मिनट, हाँ 100% तो शायद ईश्वर के अलावा इंसान के बस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक एक जो सांसद से अपेक्षा होती है उस पे आपका मानना क्या है? अपेक्षा होती है, लगभग नियर अबाउट 18 लाख के आसपास आबादी है, 18 को संतुष्ट नहीं किया जाता, बिल्कुल उसका एक परसेंटेज होता है, जिस तरह भारत की आर्थिक विकास दर परसेंटेज पे चलती है, उस तरह यहाँ का सिस्टम अमेठी में जो डेवलप। मैं आपका शुभ नाम पूछना भूल गया, नाम जरा क्या नाम है? मैं उपेंद्र शुक्ला, एडवोकेट महामंत्री में बार। अच्छा, तो शुक्ला जी, ये जो एक बात पिछली कही जा रही थी कि अमेठी को गांधी परिवार ने पहचान दी, अब राहुल गांधी यहाँ से चले गए हैं और अब उनके बेहद करीबी परिवार के शर्मा जी यहाँ पर जो है प्रत्याशी हैं, उनके उनकी पिछले जो काम था एज ए उनके प्रतिनिधि के तौर पे सांसद के, और अब उस वो क्या यहाँ पे देखा जाएगा? एक चीज बता दें आपको, देखिए विरोधाभास, हाँ, आपकी बातों में भी और पब्लिक की बातों में भी विरोधाभास, हाँ, है। 10 साल राहुल जी रहे, वाकई में सांसद नहीं वापस गई है, लिखा पढ़ी में वापस गई है, काम नहीं हुआ वापस गई है, इसको तो एक सरकारी आंकड़ा भी और आरटीआई से मांग सकते हैं। जी जी, बाकी जब सांसद निधि वापस हो सकती है, जब अपनी निधि का कोई व्यक्ति पैसा नहीं खर्च कर सकता है जो भारत सरकार देती है, तो वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं साबित हो सकता है। खाली बातों का राजा होना, सपनों का राजमहल बनाना, ये आज के युग में ऐसा नहीं है। जी जी, सांसद अगर है उसकी निधि खर्च हो रही है, वापस जा रही है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही नहीं, इसको लापरवाही भी नहीं कहेंगे, ये जानबूझकर शैतानी की गई है। अच्छा, लापरवाही वो होती है। अच्छा, 5 साल एक बार लापरवाही हो गई, दोबारा हमने उनको मौका दिया 10वें साल, वो लापरवाही, तो फिर जानबूझ पे हो गया, जानबूझ पे हुआ है। धन्यवाद शुक्ला जी, अभी आप रहिएगा, आपसे और भी कुछ प्रश्न लाएंगे। क्या आपका शुभ नाम क्या? राकेश मौर्य। मौर्य जी, कैसे आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को? जैसे बताया जा रहा है कि जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो कहता है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अगड़ा वो सॉरी अल्पसंख्यक, इनका जोड़ है और इनके लिए काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए कुछ नहीं किया है। अभी जैसे भैया जी कह रहे थे, वकील साहब, कि 14 में स्मृति ईरानी आई जीती यहाँ से, लेकिन आज मुद्दा ये नहीं बेरोजगारी का है, हमारी ये जो है 2014 के बाद यहाँ से बेरोजगारी और सार से लोग परेशान है, आज बेरोजगारी के ऊपर वोट कर रहे हैं, और केएल शर्मा से यहाँ सांसद बनाने काम करेंगे हम लोग। तो ये बेरोजगारी आपने अमेठी में उद्योग को लेकर के मानते हैं, या बेरोजगारी का जो जड़ होती है जहाँ से प्रोफेशनल एजुकेशन होती है उसकी उसकी कमी की वजह से मानते हैं? राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं, सरकार भाजपा की सरकार है, हर पेपर लीक हो जाते हैं, युवा सब परेशान है, यही सब बेरोजगारी का मुद्दा है। मतलब मैंने कि जो परीक्षा है उसके पेपर लीक हो जाने से काफी परेशान, लेकिन परीक्षा लीक तो अगर आप केवल भाजपा को कैसे, मैं अभी हम राजस्थान में देखते वहां भी लीक हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा जो लीक होने का कोई एक पार्टी इसकी दोषी है, सभी लोग दोषी हैं, केवल भाजपा को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? यहाँ तो भाजपा ही है। ठीक है, तो आप चूंकि बोलना चाह रहे हैं, इधर आएंगे तो आप शुक्ला जी बेहतर रहेगा। ये इन्होंने कहा
एक पर्टिकुलर बात कर दी इन्होंने, परीक्षा लीक को बड़ा शायद ये उम्र का तकाजा इनका है और भी अनुभव भी कम है। बेरोजगारी अमेरिका जैसा देश जो बिल्कुल विकसित है वहाँ की है, वहाँ का भिखारी गिटार मांग के खाना खाता है और यहाँ का भिखारी हाथ फैला के भजन गा के, और कोई नहीं, भीख मांगने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन भीख भीख होती है। बेरोजगारी एक मुद्दा तो है बगल साहब, सुनिए वो मुद्दा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये मुद्दा आज का नहीं है, जबकि देश आजाद हुआ उसके पहले भी थी आज भी थी। लाल मैकाले की शिक्षा पद्धति आज भी है, तो 10 साल से मोदी उसे कुछ बदल नहीं रहा, आपका कुछ बदला? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँ आपको, सुनिए ये सब इनका बेरोजगारी, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि खुलेआम किताब खोल के नकल की जाएगी, उन्होंने फरमान जारी किया कि आप किताब खोल के पुस्तकीय प्रणाली के हिसाब से आप परीक्षा देंगे। भाई ये कैसे आप कह सकते हैं, आप अपना बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाएं, एनवायरमेंट बीटेक कराएं बच्चे को, दून में पढ़ाएं, और हमारे बच्चों को आप कह रहे हो कि पुस्तक लेके नकल करें, ऐसी दोहरी कुल मिला है आप कहना नेताओं का दोहरा चरित्र है, अपने बच्चों को भारत में जो मूलभूत शिक्षा उससे नहीं करते बल्कि विदेशों में पढ़ा रहे हैं। और हाँ जी बस, कोई भी सरकार रही है इस तरह की शिक्षा अगर इनको मिलेगी, नवयुवकों को मिलेगी तो पीपल। लेकिन बगीचा साहब एक मैं आपकी बात समझ गया, थोड़ा सा मैं प्रश्न को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमारे अब जो पीएम मोदी हैं सभी के हैं वो ये कहते हैं कि भारत विकास कर रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है, तरक्की कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, और 10 साल हो गए, 10 साल मतलब आप 60 साल को निश्चित तौर पर दोष दे सकते हैं, कभी किया वहां भी गया है काम, सब कुछ 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन इन 10 साल में उन्होंने आप चूंकि बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और आप आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे कि आपको लगता है कि इस दौर में कुछ बेरोजगारी में आंकड़े कम हुए हैं और रोजगार बढ़ा है? ये चीज मैं कहने में मुझे संकोच भी नहीं है कि जिस हिसाब से रेपो रेट दर हमारी है आरबीआई की, क्योंकि हम आर्थिक पे ही चलते हैं, हम साढ़ पे गाय पे हम राजनीति नहीं करते हैं। देखिए साढ़ और गाय किसान को परेशानी तो है ना, किसान परेशान है, लेकिन पहले बेरोजगारी मुद्दा आपने मेरे पास सवाल किया, बेरोजगारी बिल्कुल उस पर आएंगे तो उस पर बात करूंगा, बेरोजगारी है नो डाउट, मैं इस चीज को मानता हूँ बेरोजगारी है, उस हिसाब से वैकेंसीज नहीं है, उस हिसाब से उद्योग धंधे नहीं है, और जो भी उद्योग धंधे हैं जैसे एक सीमेंट के रह गए, जैसे नोएडा ही क्यों मैनचेस्टर कानपुर आप उसको डेवलप करिए, मतलब आपका मानना है थोड़ा सा बेरोजगारी की जो है दर घटी है, रोजगार बढ़ा मानते नहीं? नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं तो आप बहुत हाई लेवल पे लेकर रहा हूँ, आईटी सेक्टर देख रहे हैं आज, बिल्कुल आईटी सेक्टर में मंदी है, मंदी धीरे धीरे अमेरिका से शुरू हुई रसा और लंदन तक आई, इंडिया में भी आई, सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर हमारा पैसा देता है पूरे भारत में, वो बाहर का पैसा भी आता है, आईटी सेक्टर में मंदी है, मंदी होना एक अलग चीज है, बेरोजगारी होना एक अलग चीज है, मंदी खत्म हो सकती है, हमारा क्लाइंट बाहर का आएगा हमको काम देगा हम खत्म कर देंगे, लेकिन जब तक हम बेरोजगार हैं, मान लो आज मेरी 30 साल उम्र है, कल आपने हमारी वैकेंसी, तो आप इसमें जड़ में वजह क्या मानते हैं, मतलब जनता चूंकि आपकी बात हम जब दिखाएंगे लोग देखेंगे तो आम आदमी सोचेगा भी ये बड़ा गंभीर और गंभीर बात कर रहे हैं, तो उससे उनकी समझ है क्या, वो क्या समझे ये इसमें बेरोजगारी घटी है मोदी सरकार में, अवसर बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं या जैसे का तैसा है? देखिए न तो अवसर बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी दूषित है, शिक्षा व्यवस्था को आप सही नहीं मानते हैं, इतनी दूषित है, एक बच्चा सोचता है जो संस्कार अभी सुधार की जरूरत है, सुधार नहीं सर, उसमें अमूलचूल परिवर्तन, और जिस हिसाब से पेपर लीक होता है, मैं कहता हूँ पीसीएस का आप ले लीजिए, एक होता है आईएएस का, एक पीसीएस का, यूपीएससी होता है, उसका पेपर नहीं लीक होता, यहाँ का जो पीसीएस अधिकारी आईएएस बैठा वो ट्रेनिंग नहीं ले सकता जाके दिल्ली में, कि अगर आईएएस का नहीं लीक होता है तो उनके पास बहुत अच्छी बात टेक्नोलॉजी है, आपकी बात का जवाब वकील साहब ने दिया, उन्होंने छेद बताया कि आईएएस का नहीं होता और आप बच्चों का होता, बिल्कुल सुनिए मैं कहता हूँ यहाँ का आईएएस ले रहा है 2 लाख तनख्वाह सुविधा ले रहा है, और वहाँ का भी आईएएस ले रहा है, वहाँ पेपर होता है पूरा ऑल इंडिया में, वो पेपर नहीं लीक होता, यहाँ का आईएएस, यहाँ का मंत्री, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, क्या यहाँ के, मैं अभी थोड़ा सा मिसाल आपसे भी लूंगा, क्या बताइए, जैसे ये तो बता दिया लेकिन इससे हटके आता हूँ, ये तो भैया ने बताया देखिए 27 पेपर लीक हुए हैं यहाँ तक की हाई स्कूल इंटर और बीएससी का भी पेपर लीक हुआ है, ठीक 27 पेपर यूपी की, जो दोषी कौन है थोड़ा सा इस पर जनता आपकी बात सुनेगी, देखिए मैं बता रहा हूँ दोषी की बात ये है, जैसे एक पेपर लीक हो दो हो चलिए अधिकारी कर दिए कर्मचारी कीजिए, ये जो जहाँ से
पेपर तैयार हो रहा है। लगातार जानबूझकर सरकार ने पेपर लीक करवाया जिससे कि बच्चों को नौकरी न देनी पड़े। अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उनको तनख्वाह देना पड़ेगा। जी इस पे हम थोड़ा सा आपसे कहना चाहेंगे, सरकार आप पार्टी को कह रहे हैं या यूपी की सरकार को कह रहे हैं? यूपी में सरकार की बात कर रहा हूँ। देखिए देखिए जो यूपी के अधिकारी कर्मचारी हैं ये सरकार की नहीं सुन रहे हैं। ठीक, अच्छा सरकार की नहीं सुन रहे। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं एक इस पर साथ में पूछना चाहूंगा, जब वकील साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी की बात करेंगे और क्या बोल रहे थे, जो छोटा जानवर है उनकी भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई, तो वो क्या क्षेत्र में एक मुद्दा है अब नहीं है? देखिए सर, जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के और राजनाथ सिंह और इनके नरेंद्र मोदी जी के नहीं है, वो हमारे लोगों के, वो कोई मुद्दा नहीं श्रीमान। मुद्दा सिर्फ है बेरोजगारी का। ये छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं और स्कूल जब शाम को वापस आते हैं तो जो जाते हैं सुबह तो मुंह गोरा रहता है, वापस आए मुंह काला हो जाता है गर्मी कारण से या परेशानी कारण से। लेकिन इन बच्चों को पढ़ने से क्या फायदा हो रहा है? सरकार वैकेंसी निकलवाती है, सरकार पेपर लीक करा देती है, पांच पांच पे फॉर्म भरा जाता है, सरकार को अच्छा पैसा फंड मिल जाता है, सभी पैसा पा जाते हैं और वो पेपर इसलिए लिखा है सबको। तो इन सब मुद्दों से अमेठी के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अमेठी चुनाव पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ किशोरीलाल शर्मा जी चुनाव जीत जाएंगे, जैसे राजू भाई जवाने में कैप्टन सतीश शर्मा होते थे उनके पीए, वैसे राहुल गांधी के समय किशोरीलाल शर्मा जी उनके पीए, ये चुनाव जीतेंगे। स्मृति ईरानी को चुनाव एक पीए हराएगा चुनाव इस अमेठी की, अमेठी जनता है लिख के देगी जीतेंगे चुनाव किशोरीलाल जी। आपको लगता है जो भाई साहब ने बात कही वो है और वकील साहब ने कई अन्य कारण भी बताए, हालांकि उनको उनकी निष्पक्ष बात थी जो मुझे लगा, उन्हें वो भी बताया जो अच्छा हो रहा है, जो खराब है वो भी बताया, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि इस समय जनता जो है अमीरों के सहंसा और गरीबों के शहजादे के बीच में लड़ाई चल रही है, गरीबों के सजादे और मतलब अमीरों के सहंसा के बीच, मतलब आप राहुल गांधी को गरीबों का सजादा बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलते हैं। उसका कारण ये है कि देखिए इस समय जो IMF की जो रिपोर्ट आई थी, इंडियन मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें 54 लाख करोड़ रुपए सिर्फ भारत पर सरकार के ऊपर कर्ज था 2014 के पहले। यानी कि आंकड़े आप बताते हैं कि आप कह रहे हैं कि राहुल बेहतर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे थे आप? भैया हम ये कह रहे थे जहाँ देश में आज बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, वही संजय गांधी द्वारा ऊंचाहार अमेठी सुल्तानपुर बाया सागंज रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उद्घाटन किया, वो परियोजना आज तक धरातल पे नहीं लगी। 10 साल इन्होंने सक्रिय राजनीति की और 20 साल राहुल गांधी ने की, आज तक कभी वो परियोजना धरातल पाई नहीं। सारे लोग आप किशोरीलाल शर्मा जी की बात कर रहे हैं, लेकिन कल मैं वहां गया था मीटिंग में स्मृति जी की कवर करने, वहां एक मुद्दा निकला कि जो किशोरीलाल शर्मा जी हैं बोले वो यहाँ की कंबल फैक्ट्री तो वही खा गए। देखिए सर ऐसा है कि यहाँ पर अहिर गड़ेरिया कुर्मी चमार यादव जितने लोग हैं मुसलमान, ये सब के सब लोग वोट देंगे कांग्रेस को, स्मृति ईरानी जी को वोट कौन देगा? केवल सिंबल भक्त 10% जो है, मतलब जाति इसमें काम करेगी? जात नहीं काम करेगी सर, पूरी जातियां उनके साथ है श्रीमान जी, सारी पूरी जनता उनके साथ है, कोई भी जात ऐसी नहीं जो उनको वोट नहीं देगा किशोरीलाल शर्मा जी को, इनको सिर्फ सिंबल भक्त जो है 10% वही भाजपा कमल के फूल के नाम पर उनको वोट देंगे, बाकी कोई उनको वोट नहीं देगा। आप देखिएगा सर रिजल्ट आएगा तो आप हमसे एक बार जरूर मिलिएगा। आप भी बोलिए इसमें कितना इसमें दम है? नहीं देखिए ऐसा है यहाँ की जनता, ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है, कोई नेता नहीं लड़े, चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। अच्छा। और विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, धर्म का मुद्दा जो चलाते हैं उससे लोग उब गए, धर्म और कर्म पे कोई वोट नहीं देने वाला, अब उसमें जनता की समझ आएगा वही वोट देगा। क्या क्या इधर इधर आइए अंकल, आप बताइए क्या आप क्या सब जो बड़ी कोई सब जो है अधिवक्ता वर्ग है उन्होंने बहुत ही गहनता से चीज को खोला है कि कहाँ कहाँ कमी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? सबसे देखिए बड़ी कमी ये हुई, एक साथ कोरोना लेके आया था, हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए थे, मसम कर देते, कितने बेरोजगार हुए बच्चे, कितनी पढ़ाई बर्बाद हो गई, उनके क्या उनके यहाँ तो ट्यूशन पढ़ाने आते तो खुद पढ़ने वाले थे। नहीं वो कहते हैं कोरोना में मोदी ने सबको अनाज फ्री दिया, वैक्सीन फ्री लगवाई और इलाज फ्री करवाया, अगर कहना है उनका कि अगर मोदी जैसा नेता नहीं होता तो सड़कों पे लाशें होती। कोरोना कहीं नहीं, कोरोना कोई वो नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ एक कोरोना एक साथ लेके आया, एक साथ, और 33 करोड़ देवी देवता हमारे कहाँ गए थे, वहीं पर भस्म कर देते, वो नहीं जानते थे आ रहा है। नहीं ऐसे नहीं, ये तो बीमारी हर धर्म के लोगों को होती है, देवी देवता से उसका क्या मतलब, धर्म का मतलब जानते क्या होता है? धर्म का मतलब ये होता है धरा पर जो सबको धारण करके चले, साथ लेकर चले, कोई धर्म है, एक कौन सा धर्म है कि ये है जाति है, जो जाति हमको दिखाई दे,
हमको दो जात दिखाई देती है, सुनिए हमको दो जात दिखाई देती है, दो आंखें हैं, प्रथम स्थान स्त्री शक्ति, दूसरा पुरुष शक्ति, और कोई जात नहीं दिखाई देती। आप बता दें नहीं तो इनके कहना चाहेंगे ऐसा है दादा, जो है इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अभी जो है गांव से पीड़ित होंगे, इस तरीके से इनका भाव निकल रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जो है सबको साथ, सबको एक साथ लेकर के चलने का जो है संकल्प लिया है, देश बढ़िया चल रहा है। और बाकी हमारे जो है बताएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ चूंकि अधिवक्ता संघ के महासचिव महामंत्री बोलते हैं वो भी हैं, लाद में उन्हीं से कुछ बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे, आप लोग युवा किसके कुछ तो चुनाव के बारे में बताना चाहेंगे, क्या चल रहा है माहौल क्या चल रहा है, चुनाव जो है मुद्दे का हो रहा है इस बार। कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे है एजुकेशन का मुद्दा है, इसके बाद रोजगार का मुद्दा है, इस मुद्दे हैं चुनाव। ये मुद्दे किसके ऊपर भारी पड़ेंगे? इंडिया गठबंधन के ऊपर भारी है। मतलब इंडिया गठबंधन को नुकसान मिलेगा, फायदा मिलेगा यानी कि भाजपा पे भारी पड़ेंगे। तो आप बताइए, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, आपने बड़ा, आपको जब मैं यहाँ आए थे तभी मैंने कहा था कुछ बताइएगा अंदर की बात। तो क्या लगता है कि अब काफी जो जनता की मिक्स तस्वीर आई है, तो लगता है कि चुनाव ये तो लग रहा है कांटे का है, लग रहा है? देखिए मुझे ऐसा, अभी हालांकि बहुत छोटी सी ओपिनियन है, लेकिन इस चीज तो आप कह सकते हैं, और कुछ तो होगा। तो कुछ तो होगा, और वो क्या होगा ये आपको सबको पता लगेगा 4 जून को, और 20 तारीख को ये क्या होगा इसके बारे में अपनी राय अमेठी की जनता बटन दबा के दे देगी। फिलहाल अमेठी के इस तहसील परिसर से इतना ही, धन्यवाद।